नमस्कार साथियों, मिशन ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है, चंदन है। साथी, आज आपके बीच सभी सब्जेक्ट के फैकल्टियों के साथ उपस्थित हैं। आज टॉपिक होगा, आज की विशेष बात करेंगे, सक्षमता परीक्षा। सक्षमता परीक्षा 2024 जिसकी शिक्षा विभाग ने आप देखेंगे कल घोषणा कर दिया है कि BSEB अर्थात बिहार बोर्ड ही सक्षमता परीक्षा का आयोजन करेगी। तो सक्षमता परीक्षा कैसे तैयारी करेंगे, सक्षमता परीक्षा की, इस पर आपकी चर्चा करेंगे। क्या पढ़ना है इस पर चर्चा करेंगे और क्या नहीं पढ़ना है इस पर ही विशेष फोकस किया जाएगा। और आपको 100% सफलता का सूत्र क्या है, 100% कैसे सफल होंगे, इस सभी बातों पर विशेष रूप से फोकस करेंगे। और इसलिए फोकस करेंगे, आप सभी साथी जानते होंगे कि सिर्फ क्वालिफाई करना ही नहीं है, अच्छे मार्क्स लाना भी है। ताकि अच्छे मार्क्स लाएंगे तो अपने मन मुताबिक जगह पर जाने की संभावना प्रबल होगी। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपको विभिन्न अपने फैकल्टी के बीच में सोशल साइंस पढ़ाने वाले, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इंग्लिश, मैथ और साइंस यानी शिक्षण कौशल, हिंदी ग्रामर्स, बुक्स, ये सभी की तैयारी करेंगे। एक एक टीचर, स्पेशलिस्ट टीचर आपके बीच उपस्थित होंगे और क्लास कराएंगे। तो इस सब क्लास करने के लिए यदि विशेष दिक्कत होगा, क्लास में कैसे ज्वाइन करेंगे, ये आपके पास संपर्क सूत्र है 7992258422। और दूसरा नंबर है 9709713840। ये दो नंबर है, इस दो नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप क्लास में कैसे जुड़ेंगे, क्लास में कैसे बेनिफिट हुआ, इससे आप संपर्क कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले हमारे इंग्लिश का शानदार शानदार अर्थात बहुत ज़्यादा लगभग 15 वर्षों का अनुभव है मनोज सर को बुलाना चाहेंगे। और मनोज सर इंग्लिश की खासकर तैयारी कैसे कराएंगे, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 की ये जानकारी मनोज सर की मुखों से सुनना चाहते हैं और मनोज सर से बुलाना चाहते हैं। आइए हमारे प्यारे साथियों को तैयारी के बारे में बताएंगे मनोज सर। हेलो, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, मनोज कुमार आपके बीच, साथी जी हमारे बीच हैं, बहुत अच्छे शिक्षक, इन्हें पता है कि किस कैसे हो इस परीक्षा में, सक्षमता परीक्षा 2024 में। मैं अंग्रेजी के शिक्षक के रूप में और 6 to 8, 9 to 10 and 11, 12 अंग्रेजी की तैयारी कैसे करें, हमेशा तत्पर आपके साथ रहेंगे, इस करेंगे बात को आपके बीच कैसे जाए, किसी उस समस्या से आ पाया, ऐसा तत्पर रहेंगे। मैं इस बीच एक रखना हूँ, एक अंग्रेजी में कहा वन फ्लॉप उनसे मान, मैं इधर हूँ उधर आप हैं, जब दोनों आदमी मिल जाएंगे, दोनों मिल तब मजा, इसे खास मैं साथ दूंगा आपका, आप भी मेरा साथ हैं, मिल के हम इस दुनिया में इतना शोर कर देंगे, वो कहेंगे देख और मिशन ऑनलाइन जब कर दिया इस बार। चलिए दोस्त, हम तो अभी बासर के साथ हैं, साथ मुझे मिला है, हमारे कुछ और साथ मिला है, अगर थोड़ा आपका साथ मिल जाए फिर क्या बात है, हम लोग आसमान को छू देंगे। कहते हैं कि किसी बड़े राइटर ने एक लाइन का, ट्राई टू टच द सन माइट बी एबल टू अर्थ, सूरज को छू कहीं ना कहीं तो हम लोग हमारी ऊंचा सोच रहेगा, सोच तो रहेगा, उस सोच में हम भी आपके साथ हैं, कहीं ना कहीं तो जरूर अटकेंगे, कहीं ना कहीं चांद पे चले, बस आप साथ हैं, मैं आपके साथ, थैंक यू। तो आगे का काम सुभाष बाबू को दे रहे हैं और बस इतना विश्वास रखे अंग्रेजी
एक एक चीज को आपके बीच रखूंगा और पूरी तरह से सॉल्यूशन करो। अब इसे मनोज सर का आपने सुने, आशा करेंगे आपको मैथ्स, रीजनिंग और कुछ सोशल साइंस का कुछ पार्ट जो आपके बीच उपस्थित होंगे तो आपको समझाएंगे। तो रितेश सर से आग्रह करेंगे वह कैसे तैयारी कराएंगे उनसे भी समझ लीजिए। रितेश सर आएंगे जो मैथ रीजनिंग के स्पेशलिस्ट हैं और सोशल साइंस का कुछ पोर्शन आपको बताएंगे। रितेश सर थैंक यू सर। दोस्तों मैं रितेश मिशन ऑनलाइन एकेडमी प्लेटफॉर्म से आप तमाम दोस्तों को स्वागत करता हूं। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को मैथ का और रीजनिंग का, उसके बाद जो है एक सोशल साइंस का एक टॉपिक लेंगे हम, इसमें ज्योग्राफी, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट का प्रिपेयर बहुत ही अच्छा तरीका से कराएंगे। क्योंकि आप लोग पता है कि सक्षमता बैच सक्षमता जो परीक्षा है उसका डेट का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है, यानी कि संभावित जो डेट है मार्च और अप्रैल में, यानी कि आप लोग के पास मात्र जो है 90 दिनों का समय है। अगर एक्चुअल में हम देखें तो 90 दिनों का समय है और 90 दिनों के समय में आप कैसी तैयारी करेंगे तो ये मिशन ऑनलाइन एकेडमी की जो टीम है आपके साथ हमेशा तत्पर रहेगी, ठीक है, और कोशिश ये करेगी कि आपको जो है 90 दिनों के अंदर पूर्ण तैयारी करें, यानी कि पूर्ण तैयारी कैसे करें इसके बारे में जो आपको हमेशा जो मोटिवेट करे और पूरा सिलेबस 90 दिनों के अंदर में आपको कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। और इसमें जो है हम आपको मैथ और रीजनिंग का और ज्योग्राफी का सेशन लेके आएंगे। थैंक यू। अब सोशल साइंस का ही हिस्ट्री लेकर के आपके बीच जो बताएंगे, हिस्ट्री का विशेष डिस्कशन कराएंगे, उनके छोटी बातों से लेकर के आपके एग्जाम के सफलता के लिए क्या पढ़ना है इसी टू द पॉइंट पढ़ाने के लिए आप भी जो उपस्थित होंगे। और हिंदी सब्जेक्टिव लेकर के ये प्रदीप सर, इनका भी बहुत ज़्यादा अनुभव है, ये ऑफलाइन क्लासेज इनका चलती है, जैसे जितने सर हैं मनोज सर हो गए, इसे रितेश सर हो गए, सभी ऑफलाइन क्लासों से इनके विद्यार्थी सफल हो चुके हैं विभिन्न प्रतियोगिता में, एसएससी हो, बीएसएससी हो, या आप देखेंगे बीपीएससी टीयर वन में, टीयर टू में भी बहुत सारे स्टूडेंट सफल हो गए हैं। तो हम प्रदीप सर से आग्रह करेंगे आएंगे अपना रणनीति के बारे में हम सभी साथियों को बताएंगे। प्रदीप सर नमस्ते, नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आप सभी को मिशन ऑनलाइन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं प्रदीप कुमार आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों के मन में विभिन्न तरह का विचार चलता होगा न्यूज़पेपर को देख करके, जो कि जिस चीज़ की तैयारी कराने के लिए, सक्षमता परीक्षा की तैयारी करने के लिए तत्पर हैं तमाम हमारे शिक्षक बंधुओं, मैं उनके सहयोग के लिए मिशन ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से एक बैच लेकर आया हूं। और उस बैच का विशेष कुछ भी है नहीं, 90 दिनों में आपको तैयारी कराएगी, कोर्स पूरा करेगी, और तैयारी ही नहीं कराएगी, आप लोगों को ये परिणाम सामने ला कर देगी। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि मिशन ऑनलाइन एकेडमी से जुड़ें, इसके बैच को परचेस करें और आप लोग अपना तैयारी करें और परिणाम सामने देखें और इसमें सफल हों, अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें। थैंक यू, धन्यवाद। तो आप हम अब उन शख्स जवान को बुलाना चाहते हैं जो हम सभी उनको अच्छी तरह जानते हैं, मेरे भी अच्छे दोस्त हैं, आपके भी अच्छे दोस्त। मैं एक उनके अच्छे दोस्त के नाते, आपके अच्छे दोस्त के नाते आप उनसे मिलाना चाहते हैं ताकि उनके दिमाग में शुरू से अंत तक एक इंसान के नाते हम कैसे आगे बढ़ेंगे,
आप कैसे आगे बढ़ेंगे, अर्थात हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, यह काम करने तक ही करते हैं और करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं उन्हीं साथियों को बुलाना चाहेंगे जिन्हें आपको समझने में या आपको पहचानने में थोड़ा सी भी कठिनाई नहीं होगी। उनको सिर्फ इस नाम से उनको हम जानते हैं और इस नाम से जानना चाहते हैं कि मानव का हित कैसे होगा, अपने साथियों का हित कैसे होगा। तो मैं श्री संजीत सर को बुलाना चाहते हैं और संजीत सर के मुखारबिंद से समझेंगे कि सक्षमता की परीक्षा कि कैसे फतह करेंगे, ये कम समय में कैसे तैयारी करेंगे, कहाँ तैयारी करेंगे और हमारा रणनीति कैसे होगा। ये संजीत सर से आग्रह करेंगे, आएंगे और हमें भी और हम सबको भी अपने अनुभव, तजुर्बा और वही सहयोग वाली भावना के साथ हमारे बीच आएंगे और हम सबको बताएंगे। संजीत सर प्लीज कम। कार के तमाम शिक्षक साथियों को मेरे तरफ से नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे क्योंकि 23 वर्षों के लड़ाई के बाद सरकार ने हमें राजकर्मी के रूप में अपनाने की जो घोषणा किया है का हम सभी नियोजित शिक्षक स्वागत करते हैं और सिर्फ स्वागत नहीं तहे दिल से स्वागत करते हैं। कम से कम सरकार ने हमें राजकर्मी बनने का मौका अता तो फरमाया है। साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारी लड़ाई आज से नहीं, जब से हम लोग नियोजित हुए तब से लेकर आज तक सरकार से हम लोग अपनी मांग को मनवाने के लिए, पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कारगुजारियों से गुजरे। लोगों ने लाठी खाया, गया धरना किया, प्रदर्शन किया, सरकार से आरजू किया, मिन्नते किया। सरकार हम शिक्षकों को थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करके पैसे बढ़ाते रहे, लेकिन हमें हमारा जो मांग था पूर्ण राजकर्मी का दर्जा, अब आकर के लगता है कि फलाफल होने उसका मिलने वाला है। साथियों, हम इतने वर्षों से सेवारत हैं, हमारे बहुत सारे साथी जो हमारे साथ ज्वाइन किए 10 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, उससे पहले जो साथी हमारे 2003 से कार्य कर रहे हैं, जो साथी हमारे 2005 से कार्य कर रहे हैं, 6 में नियोजित हुए, 10 में नियोजित हुए, 12 में नियोजित हुए और अनवरत ये चलती रही नियोजन की प्रक्रिया। लेकिन हम नियोजित के ही रूप में रहे, कार के नज़र में ही में भी उपेक्षित रहें, आज के नज़र में भी उपेक्षित रहें, अपने परिवार के नज़र उपेक्षित रहें, बच्चों के नज़र में भी उपेक्षित रहें। लेकिन हमें गर्व है, इतना दिनों के कार्य शैली के उपरांत, हमारे पढ़ाने के उपरांत उन्हें जो बिहार का व्यवस्था में जो परिणाम दिया वो चौंकाने वाली थी। बिहार ने आज शिक्षा के क्षेत्र में जो आयाम गढ़ा है पूरे भारत में, वो हम नियोजित शिक्षकों का ही देन। अगर हम नियोजित शिक्षक नहीं होते तो आज हमारे बिहार का नाम शिक्षा के आयाम के क्षेत्र में रोशन नहीं। खैर, चलिए, हमारी कुर्बानियों के बदौलत, हमारे त्याग के बदौलत सरकार जो हमें पूर्ण राजकर्मी का दर्जा देने जा रही है, सरकार ने अपने देखा, जाना, समझा हमें एक सक्षमता परीक्षा से गुजरना हो। मैं थोड़ा सा हट करके कहना चाहूँगा, सरकार हमें अयोग्य मान रही थी आज तक। अभी बीते दिन जो TRE 2.0 हुआ है उसमें मैंने भी बैठने का फैसला किया और हाई स्कूल 9th-10th में मैंने फॉर्म भरा, मैंने परीक्षा भी दिया और मैंने पास भी। साथियों, ये कोई बड़ी बात नहीं थी,
एकदम छोटी बात थी। हम जानते हैं कि हम सभी नियोजित शिक्षक राजकर्मी बनने के सभी मापदंडों को पूरा कर रहे हैं, हम में वो योग्यताएं हैं, सरकार हमें बरगला रही है। खैर, सरकार का धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं माननीयों का, जिनके द्वारा सक्षमता परीक्षा लेकर के ही राजकर्मी का दर्जा हमें देने का सरकार ने मन बनाया है, उसका स्वागत करते हैं। लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां भी है, जिसे बाद में सरकार से हम लोग मांग करेंगे, इसे दूर किया जाए। खैर साथियों, छोटी सी सक्षमता परीक्षा दे करके अगर हम राजकर्मी बनने की ओर अग्रसर हैं, राजकर्मी का पूर्ण दर्जा हमें मिलने जा रहा है, तो हमें भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमारे सभी नियोजित शिक्षक साथियों में और शिक्षिका साथियों में ये कैपेसिटी है, ये जज्बा है, ये जुनून है, ये एबिलिटी है कि वो सक्षमता देकर के भी राजकर्मी का दर्जा प्राप्त अगर सरकार करवाना चाहती है तो हम करेंगे। उस पर हम 100% इतना दिन से हम स्कूल में हैं, अपना 100% देते आ रहे हैं और आज भी दे रहे हैं, वो हमारी एबिलिटी को दर्शाती है, हमारी कैपेसिटी को दर्शाती है, हम बच्चों को दे रहे हैं। साथियों, हम इस सक्षमता परीक्षा से डरने की बात नहीं, हम जो अभी तक पढ़ाते आ रहे हैं यही मेरे लिए रामबाण है, लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं उससे इतर, हम 1-8 को पढ़ा रहे हैं, 9-10 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 11-12 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उससे इतर देश दुनिया में क्या घट रही है, इस भी हमें अपने नॉलेज में। हमारे यहाँ पर ये मिशन ऑनलाइन एकेडमी क्लासेज के जो डायरेक्टर हैं श्री सुभाष चंद्र जी, हमारे लंबे समय से हमारे घनिष्ठ मित्र रहे हैं, आप सभी जानते हैं, और इनके द्वारा एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है ये मिशन ऑनलाइन एकेडमी। ये हमारे जितने भी नियोजित शिक्षक शिक्षा साथी हैं वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ करके अपना जो वर्षों का राजकर्मी का दर्जा लेना है उसको हम लोग प्राप्त करके दिखाएंगे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी, बहुत सारे एक्सपर्ट हमारे साथ खड़े हैं, कि अपने अपने फील्ड में अपने अपने फैकल्टीज विषयगत शिक्षक के रूप में अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित किए हुए हैं। मुझे इन लोगों पर पूरा भरोसा है, इनके पढ़ाने की शैली पर पूरा भरोसा है, इनके तजुर्बा पर पूरा भरोसा है, इनके जुनून पर पूरा भरोसा है। आप लोगों की जो टोली है, ये हम सभी शिक्षक साथी जो हमारे नियोजित शिक्षक साथी हैं जिन्हें सक्षमता देना है, उनको राजकर्मी का दर्जा दिलाने में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। साथियों आइए और इस प्लेटफॉर्म से जुड़ करके, मिशन ऑनलाइन एकेडमी से जुड़ करके अपने सपनों को साकार करने के लिए, जो हमारी बरसों से मांगे हैं उस मांगों को साकार करने के लिए हम इस प्लेटफॉर्म पर आकर के हम अपनी तैयारी 100% कर सकते हैं, ये हमें विश्वास है। साथियों, इतने दिनों की, इतने वर्षों की जो लड़ाई थी, ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं थी, मैं अपनी लड़ाई सिर्फ नहीं लड़ रहा था, मैं बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों की लड़ाई लड़ रहा था, उनके बाल बच्चों की लड़ाई लड़ रहा था, उनके माँ बाप की सपनों का लड़ाई लड़ रहा था कि हम एक स्कूल में होने के नाते इन्हीं को पूर्ण राजकर्मी का दर्जा मिला हुआ है, वो भी उतना ही पढ़ा रहे हैं और हम नियोजित होकर के भी उतना ही पढ़ा रहे हैं और शिक्षा क्षेत्र में बेहतर परिणाम दे रहे हैं, फिर हमारा वेतन, हमारी सुख, हमारा ओल्ड पेंशन हो, न्यू पेंशन हो, इससे हम महरूम क्यों? सारी चीज़ों को अब पूरा करने का वक्त आ गया है, पूर्ण राजकर्मी का दर्जा लेने का वक्त आ गया है। आइए साथियों, इस फॉर्म से जुड़ करके हम अपने मुकाम को हासिल करें, हम अपने पूर्ण राजकर्मी के दर्जा को हासिल करें, हम अपने सपनों को हासिल करें। और इन शब्दों के साथ मैं चाहूँगा अपनी वाणी को विराम देने का, जरूरत पड़ने पर समय समय पर आप लोग के बीच में उपस्थित होता रहूँगा, और तब तक के लिए इन सभी साथियों का मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा, इन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, इन्हें बधाई देना चाहूँगा। आपके कदम से कदम मिला करके, आपके लिए दिन रात मेहनत करके आपकी तैयारी को मुकम्मल अंजाम तक का ये जो कार्य करेंगे,
बधाई के पात्र होंगे, इसलिए मैं इन्हें पहले ही शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा कि अंजाम तक पहुँचाएँ। साथियों, क्लासेज जो होगी, क्लास का कुछ नहीं होगा, मामूली सा फी होगा जो हम लोग रोज चाय पान में फी को हम लोग खर्च कर देते हैं, रोज हम लोग अपने नाश्ता में खर्च कर देते हैं, तो एकदम मामूली सा फी होगा। खैर, उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें राजकर्मी का दर्जा कैसे मिलेगा, सभी बातों पर ध्यान दे, हमारे सारे सब्जेक्ट पर अपनी मुकम्मल तैयारी पर ध्यान करके हम राजकर्मी अचीव करेंगे, हम पूर्ण राजकर्मी के बहुत ही करीब पहुंचे। आज आप लोगों ने देखा है कि बिहार सरकार ने कल बिहार सरकार ने एससीबी को यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति परीक्षा कंडक्ट करने का दिया है। आप लोग ये आ रहे हैं कि जब से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तब से मैट्रिक परीक्षा लाखों में लाखों विद्यार्थियों का परीक्षा लेना और उसको त्वरित का रिजल्ट देना ये आनंद आए हुए हैं। प्रकार से लगभग 15 मार्च से लेकर के 7 अप्रैल या 15 अप्रैल के आप लोग का एग्जाम का ये परीक्षा आज ही क्लासेस करके जम करके तैयारी करनी है। और हम जानते हैं कि आप लोग को इस तैयारी करने में थोड़ा भी हिचक नहीं होगा, थोड़ा ज़्यादा मेहनत हम जानते हैं, उसी चीज़ को दोहराना है, हम पढ़ाते हैं बच्चों के तो यहाँ रिपीट करना है, उसी चीज़ को दोहराना है, ज़्यादा हमें मेहनत की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे इतने एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट लोग खड़े हैं, इन लोग के पास इतनी अच्छी तजुर्बा है कि हम कैसे कम समय में अच्छी तैयारी कर लेंगे, कैसे कम समय में हम परीक्षा को शाम तक हम अपना रिजल्ट हासिल कर लोगों के पास तजुर्बा है। चलिए, जाते जाते आप लोग को राजकर्मी बन बधाई, अग्रिम बधाई, आप सभी राजकर्मी बनेंगे। हमारे 4 लाख तक साथी जो हैं, हम नज़दीक है राजकर्मी बनने का, आप बशर्ते कि आप थोड़ा सा ध्यान दे देने की बात है। चलिए, आपको पुनः बधाई, पुनः साथ में बहुत बहुत धन्यवाद सर का, इतना धन्यवाद हम उनका एक तरह से कह सकते हैं, ऋणी कह सकते हैं, हम सभी साथ उनका ऋणी है जो हर समय हर पल पर हम लोग के बीच हमारे मार्गदर्शन करते हैं और अच्छे रास्ता बताते हैं। इसलिए संजीव सर को विशेष रूप से धन्यवाद, और ताकि और सभी साथियों को फिर से हम एक नंबर आपको बता रहे हैं, उस क्लास में कैसे ज्वाइन करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, इस पर संपर्क करने के लिए, विशेष बातें करने के लिए आप इस नंबर को फिर से ध्यान दीजिए कि 7 ये नंबर ध्यान दीजिए, नंबर ये 7992258422 ये नंबर है। एक नंबर और आप नोट कर सकते हैं कि 9709713840, ये दो नंबर, किसी दो नंबर पर आप बात कर सकते हैं, अपना मैसेज दे सकते हैं, और तैयारी कैसे करें, क्या पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, सभी चीज़ की जानकारी आपको स्पष्ट रूप से मिल जाएगी। तो और कैसे, हाँ, एप्लीकेशन की लिंक जो है इसी के अंदर डिस्क्रिप्शन पर है, वहाँ पर लिंक क्या करेंगे, वहाँ प्ले स्टोर से डाउन कर लेंगे आप। और विशेष नहीं करना चाहेंगे कि आपको सर बता दिए हैं, राजकर्मी का अग्रिम बधाई भी आपको दे दिए हैं, और हम कोशिश करेंगे कि सर का बात को 100% कैसे पूरा हो, इसके लिए हम आपके साथ हमेशा आपके साथ रहेंगे और हमेशा रहते हैं। तो आप लोग को आने वाला दिन मंगलमय हो, उज्ज्वल हो, यही शुभकामनाओं के साथ अभी आज की सेशन इसी पर समाप्त करते हैं, स्थगित करते हैं। जय हिंद साथियों, नमस्कार।